Hello students, in today's video we are going to learn examples of rolling friction. But before that we will recall definition of rolling friction. Rolling friction is frictional force that exists between two surfaces when a body rolls over the other. क्या कहा मैंने, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स है जो टू सर्फेसेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, एंड ये टू सर्फेसेस क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही होती हैं. एट दैट टाइम जो फोर्स अप्लाई होता है, दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन अ व्हीकल सच एज बस, कार, ट्रक, बाइसिकल एटसेट्रा moves on the road, a part of its wheels and the surface of road gets changed. इसको हमने पहले भी पढ़ा था. ये जो lines लिखी हुई हैं actual में क्या है, it is cause of rolling friction. इसी वजह से rolling friction arise होती है. जब vehicle जैसे कि bus हुआ, car हुआ या truck हुए road पे move करते हैं, at that time wheel का part एंड रोड की सरफेस का पार्ट जो कि कॉन्टैक्ट में होता है, या बोल सकते हो रोड की सरफेस जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं, उनमें चेंज होता है. ओके, अब यहाँ पे जो चेंज हुआ, इसको ओवरकम करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है. इस फोर्स को, जिसकी ज़रूरत हमें इस चेंज को ओवरकम करने के लिए होती है, उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है. ओके, या फिर आप कह सकते हो दिस फोर्स इज इक्वल टू रोलिंग फ्रिक्शन. क्लियर? इसी वजह से, इसी रीजन से जब टायर्स में सफिशिएंट एयर प्रेशर नहीं होती है, एट दैट टाइम मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि इस केस में जब हमारा एयर प्रेशर टायर में सही नहीं है, डिफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. एंड डिफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स क्या होगी, वहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. क्लियर? वैसे टायर्स जो हैविली इन्फ्लेटेड होते हैं, मीन्स अच्छी तरीके से एयर से फिल होते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल होती है. ठीक है, अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल होगी, दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसी वजह से आपने देखा होगा साइकिल की टायर्स जो हाईली इन्फ्लेटेड होती है, वो कम फोर्स लगाने से ही आगे मूव कर जाती है. सेकंड इज द रेलवे ट्रैक एंड द व्हील्स ऑफ ट्रेन आर मेड अप ऑफ स्टील. ये सबको पता है, रेलवे ट्रैक और ट्रेन की जो व्हील्स होती हैं वो स्टील से बनी होती हैं. ओके, इनमें डिफॉर्मेशन की जो वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होती है. कम डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, ड्यू टू दिस स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन द ट्रेन रन वेरी फास्ट. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हुई तो ट्रेन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द लगेज सच एज सूटकेस इज प्रोवाइडेड विथ टाइनी व्हील्स. आप सभी ने देखा होगा जो सूटकेस होती हैं उनमें टाइनी व्हील्स लगे होते हैं. पहले के सूटकेस में नहीं होते थे, लेकिन अभी के सूटकेस में व्हील्स लगे होते हैं छोटे छोटे. अब ये जो व्हील्स हैं, इनकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन होता है, एंड इसकी वजह से इनको मूव कराना इजी होता है. आप खुद भी यहाँ इमेजिन कर सकते हो, अगर यहाँ व्हील्स नहीं होते तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन की जगह स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना. स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है. ओके, तो हमें क्या करना होता, उस सूटकेस को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रोलर स्केट्स हैव टाइनी व्हील्स. ये जो स्केट्स होते हैं उनकी व्हील, उनमें भी व्हील्स लगे होते हैं, छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, एंड इन व्हील्स की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन अराइज होता है. एंड ये फास्ट मूवमेंट के लिए, स्केटर इसकी वजह से जो स्केटिंग करते हैं उनकी वजह से उनकी मोशन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. होमवर्क के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में अच्छे से इसको फिर से रिपीट करोगे, मीन्स आपकी बुक में जो लिखा हुआ है एक बार रीड करना है, एंड आपको
इससे गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस, मीन्स रीज़न दो वैसे वाले क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.